हेलो दोस्तों, हर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना त्रिकोणमिति का चार्ट वाला सेशन होगा। दोस्तों, ये बहुत से लोग इसे रटते हैं। दोस्तों, इसे रटो मत, समझो समझो कि इसका मान कैसे आता। दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। दोस्तों चलो आइए देखो, चलो दोस्तों आइए इधर की तरफ देखो। दोस्तों, आपको ये लाइन है साइन वाली, इस लाइन को आप याद रखो, बस इसको याद रखो कि साइन का मान कितना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 का है 1/2 और साइन 60 का है 1/√2 और साइन 60 का मान है अपना √3/2 और उसका मान है 1, साइन 90 का मान 1 दोस्तों है। चलो दोस्तों, तो आपको ये आप सिर्फ ये याद रखो कि 0, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक दोस्तों। चलो आओ आपके साथ अपन को निकाला दोस्तों कॉस निकाला दोस्तों। तो कॉस साइन का उल्टा कॉस होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री पर एक मान, तो यहाँ पर एक 60 का मान 30 में लिखो, 45 का यही और 60 का 30 का आ जाएगा और दोस्तों 0 का 90 डिग्री पर आ जाएगा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, चलो भाई टेन का मान, ये सर टेन का मान कैसे निकालते हैं। बहुत से याद रखते हैं कि 0, 1/√3, 1/√3 इनफाइनाइट। तो चलो दोस्तों, ये अपना टेन थीटा होता है, पढ़ा होगा आपने, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक दोस्तों। अपन डिग्री मान निकालेंगे, तो टेन जीरो का मान निकालो। चलो तो टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो दोस्तों चलो अब निकालते अपन टेन 0 डिग्री का, ठीक है। चलो कितना माना अपना साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, दोस्तों क्या आएगा 0। तो लिखो यहाँ पर 0। इसी प्रकार दोस्तों साइन 30 का मान देखो, इसका टेन 30 का मान, टेन 30 डिग्री का मान, तो अपन वो लिखेंगे साइन 30 बटे कॉस 30, ठीक दोस्तों। और साइन 30 का मान कितना आपने 1/2 अपॉन कॉस 30 का मान कितना है √3/2। ये है दोस्तों अपना टेन 30। तो दोस्तों ये इससे 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 गया और 1/√3, क्योंकि दोस्तों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 1/√2/3 √2/3, तो इससे ये चले जाएगा, अंत में अपना रहेगा 1/√3। ये दोस्तों टेन 30 का मान हो गया। चलो दोस्तों इसको ऊपर करके बताते हैं सही। अब दोस्तों टेन अपन निकाला कॉट टेन का, इसका आ गया फिर टेन 45 का, वही रहेगा अपना। इसी प्रकार जैसे टेन 60 डिग्री का मान निकालने अपन, टेन 60 डिग्री, तो इसमें निकाल लेंगे कॉस 60 का भाग दे देंगे अपन, तो भाई जैसे क्या है अपना, इसमें देख लो कितना है √3/2 / 1/2। दोस्तों ये डिवाइड बाय इससे 2 से 2 गया, अब तो अपना फाइनल बचेगा अपना √3/1। तो बटे का कोई एक कोई मान नहीं होता, क्योंकि भाई रूट वो होता है √3, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों √3 अपना ये आ गया। अब इसी प्रकार टेन 90 का मान निकालेंगे अपन। देखो दोस्तों टेन 90 का मान आ जाएगा अपने पास टेन 90 डिग्री बराबर साइन 90 बटे कॉस 90। तो दोस्तों साइन 90 का मान कितना है अपने पास 1 और कॉस 90 का 0। हाँ दोस्तों, किसी संख्या में 0 का अपन कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो वाली दोस्तों, अगर अपन उसमें 0 का भाग देते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, अनंत, जिसका कोई अनंत नहीं। जैसे दोस्तों अनंत का मतलब होता है, जैसे यहाँ से संख्या चालू होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब तो आप चलते ही जाओ, इसका कोई एंड नहीं है, चलता ही रहेगा अनंत। जैसे आप सोचोगे 20 लाख, तो उससे भी एक ज़्यादा 20001 दोस्त ऐसे। अब आपको दोस्तों अब बताता हूँ कोट का मान सेम टेन का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा ये कॉस का मान होता है, ऐसे ही टेन का कॉस उल्टा करो इसे। जैसे यहाँ पर था इनफाइनाइट, कितने पर 90 पर,
तो जीरो पर आ जाएगा इनफाइनाइट, उसका उल्टा 60 पर 30 पर आ जाएगा दोस्तों, 45 का मान सेम रहेगा सभी में। देखो दोस्तों ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है, 45 डिग्री का मान चेंज नहीं होगा, जैसे है साइन में तो वैसे ही कॉस में रहेगा, जैसे टेन में वैसे ही कॉट में, और जैसे कॉसेक्स में वैसे सेक में दोस्तों, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, चेंज होंगे ये मान होंगे, एक तो जीरो का मान होगा 30 का, 60 का, 45 का। आप तो बस याद रखो कि 45 डिग्री का मान चेंज नहीं होता। जैसे दोस्तों बताता हूँ हम आपको क्यों चेंज नहीं होता, कारण क्या है दोस्तों, ये अपना सपोज करो ये एक्स है, ये वाई एक्स है, और ये जीरो पे मूल बिंदु जीरो पे दोस्तों, अपना 45 मार कहाँ पर आता है दोस्तों, यहाँ से ये होगा 90 डिग्री, इस पर लंब है ये वाई एक्स तल पर लंब है, तो ये होगा अपना 90 डिग्री, ये होगा दोस्तों अपना 45 दोस्तों। अब ये दोनों साइड से थीटा कोण, दोनों से थीटा कोण बनाता है दोस्तों बराबर, यहाँ पर अगर थीटा का मान 30 है ना, सपोज करो अगर यहाँ पर थीटा का मान, एक मिनट रुको दोस्तों, यहाँ पर हमारा थीटा का मान दोस्तों 45, तो यहाँ पर भी थीटा का मान 45, ये दोनों आ जा रहे तो दोस्तों ये चेंज नहीं होते, 45 का मान सेम रहता है ऐसे ही। चलो दोस्तों हम अब आपको बताता हूँ सेक का मान कैसे निकालते हैं, तो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर जो दोस्तों सेक का मान निकालेंगे अपन ना, तो 1/cos θ दोस्तों, जो भी कॉस थीटा होता है उसको उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा सेक होता है। देखो दोस्तों जैसे कैसे अपन इसमें ये अपना एक, एक का उल्टा करो क्या आएगा दोस्तों, एक, एक का उल्टा, एक को आप कैसे भी कर लो, एक अपॉन एक, एक ही आएगा, एक को कैसे उल्टा करो, एक आएगा दोस्तों। और चलो इसका मान क्या बताता हूँ आपको, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 का मान होगा अपना 1/cos θ। अब देखो दोस्तों 1/cos θ का मान ये रहा √3/2, अब इसका उल्टा कर दो तो इसका मान 1/√3/2, ये भाग वाला अपॉन में जो 2 है ऊपर से जाएगा दोस्तों, तो ये रहेगा अपन ना 2/√3। देखो दोस्तों इमेज करो सेम होगा बिल्कुल, sec 30 में देखो √3/2 सेम, ऐसे ही अपन इसका निकाल लेंगे दोस्तों, अंत में अपन निकाल लेंगे cos का मान, cos x का मान, cos x थीटा का मान निकालेंगे अपन 1/sin θ दोस्तों। अगर आपको ये इसका चाहिए sec का, तो sec का उल्टा cos का उल्टा sec दोस्तों ठीक, और sin का उल्टा cos x। अब दोस्तों हम फाइनल निकालेंगे cos थीटा का मान, cos का मान दोस्तों ये दो प्रकार से हो सकता है, ये नहीं दो पर, ये एक तो आप ऐसे करो sec थीटा का उल्टा कर दो, झंझट खत्म, sec का उल्टा cos x थीटा आ जाएगा, एक को वहां ले जाओ, ये देखो दोस्तों ये और ये दोस्तों ठीक, अपना ये मान चेंज नहीं होगा दोस्तों, इनफाइनाइट 90 का 0 पर ठीक, 60 का 30 पर, 45 का 45 पर रहेगा दोस्तों ठीक, और ये 30 का 60 पर दोस्तों ठीक। और अपन इसे वैसे भी निकाल सकते हैं कि cos x थीटा बराबर 1/sin θ दोस्तों, इससे भी निकल जाएगा अपना मान, कि बाकी अपना sec का उल्टा कर दो ये आ जाएगा, इसका उल्टा ये कर दो और इसमें इसका भाग लगा दो sin में, आपको बस एक याद रखनी पड़ेगी sin की वैल्यू, कि sin की वैल्यू क्या क्या होती है दोस्तों, आप इनको याद रखो, जीरो का ये तो जीरो रखो, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, ये याद रखो बस आपको, ये आपको 6 मान याद रखने, 1, 2, 3, 4, 5 मान याद रखने दोस्तों ठीक, ये दोस्तों आपका चार्ट कंप्लीट हो गया, रटो मत समझो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों, सब्सक्राइबर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, धन्यवाद दोस्तों।